रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट, किन्नरों का ज्ञापन। रायसेन जिले के किन्नर समाज के लोगों ने आज अपनी निजी समस्याओं को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि रायसेन नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सलोनी नाम की एक किन्नर अपने कुछ सहयोगियों के साथ घूम घूम कर उसकी समाज को बदनाम कर गलत तरीके से उनके रीति रिवाज को खराब कर रही है। ज्ञापन देने नसरुल्लागंज से आई किन्नर गुरु ने कलेक्टर रायसेन को बताया कि सलोनी एक अपराधी किस्म की है, जिसके खिलाफ नसरुल्लागंज थाने में लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज है, जो कुछ दिनों से अब रायसेन के वार्ड नंबर 16 में किसी साबिर नाम के व्यक्ति के साथ रहकर हमारी समाज को तरह से बदनाम कर रही है। जबकि हमारी समाज में किन्नर शादी नहीं करते हैं, उनके सिर्फ गुरु ही होते हैं। किसी व्यक्ति से शादी कर उस समाज से बाहर कर दिया जाता है। सलोनी ने अपनी गुरु की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसके हौसले और बुलंद हो गए और अब वह हम लोगों को ही जान से मारने की धमकी दे रही है। रायसेन की किन्नर गुरु तमन्ना ने बताया कि पुलिस प्रशासन इस ओर सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा किसी भी दिन शहर का माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि तमन्ना के मुताबिक वह शहर की शांति खुशहाली के लिए बरसों से दुआ मांगती आई है और आज उनके समाज को ऐसे नकली लोग बदनाम कर रहे हैं। ज्ञापन देने वाले किन्नर गुरु तमन्ना धमकी दे रिया है कि सावन पे हम ढोलक लगाएंगे, जबरदस्ती मांगेंगे और नहीं मानेंगे तो हमें तरीका भी आता है, हम अपने हिसाब से समझा सकते हैं उसको। जैसे अब आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं तो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, तो मैं अपने ढंग से अपने तरीके से देखूंगी। हाथापाई भी हो सकती मेरी, शहर में शांति भंग, हाँ शहर में शांति भंग भी हो सकती है। समस्या आ रही है, आप लोगों ने शिकायत की होगी। हमारे यहाँ जी शिकायत आ रही है कि हम लोग किन्नर लोग इतने साल से रह रहे हैं, सब अच्छे से रहते हैं, सब लोग जानते हैं हमें, रायसेन के जितने भी लोग हैं, कि हम लोग इज्जत से मांगते हैं, इज्जत से रहते हैं। पर यहाँ पर जो सलोनी नाम की किन्नर वन शादी करके रह रही है, जो वो शादी कर लिया, वो वहाँ पर अपनी मियाँ के साथ रहे, यहाँ से हमारे यहाँ जाती है, सबके घर में बधाई लेती है, गलत सलत वो बोलती है और नहीं देने पे किसी से कुछ कह के आती है, किसी से 21,000 किसी से 51,000 की मांग करती है। इसमें हमारे किन्नरों का नाम बदनाम है। हम बहुत सारी पुलिस में भी कंप्लेन कर चुके पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं, वो खुलेआम घूम रही है। इंदौर से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। निगम ने शुरू की गंजी कंपाउंड स्थित विवादित जर्जर मकान को तोड़ने की कार्रवाई। सुरक्षा के मद्देनजर तीन थानों की पुलिस बल सहित एएसपी और सीएसपी तैनात। निगम के 150 से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को कर दिया है सील बंद। हाई कोर्ट के आदेश पर किराएदार को आवंटित किया गया दूसरा मकान। जर्जर मकान तोड़ने के विवाद में जेल गए थे विधायक आकाश विजय वर्गीय, जिन्होंने बैट घुमाकर निगम कर्मचारी की पिटाई की थी। अब उसी मकान को निगम के 150 से अधिक कर्मचारी तोड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अंकुर यादव की रिपोर्ट। तालाब में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत। सुबह बिना बताए घर से गायब हो गए थे बच्चे, तालाब किनारे मिली चप्पल से गांव वालों ने तलाश शुरू की। सागर जिले के गौरझामर थाने के सरखेड़ा गांव का मामला। मृतक का नाम सत्येंद्र, पिता कल्लू आदिवासी उम्र 12 वर्ष, सत्येंद्र पिता राजू आदिवासी उम्र 13 वर्ष। सबों को पोस्टमार्टम